सबसे थोड़ी माता की हेलो निके जो हमारे अनंतनाग में हमारे जो इंडियन आर्मी के जवान और DYSP JK पुलिस के जो जिन्होंने मिलिटेंटों से लड़ते हुए लोहा लेते अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी और वो शहीद हुए हमारे देश के लिए, आज सिविल सोसाइटी के सभी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान को यहाँ वार्न किया कि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाए और साथ ही साथ जितने भी शहीद हुए हैं उन्हें नमन पेश किया और उस भगवान अल्लाह ताला वाहिगुरु से यही प्रे की कि इन शहीदों को अपने चरणों में वास दे और उनकी फैमिली के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, हम पूरा देश उनके साथ खड़ा है और साथ ही साथ एक बार फिर हम पाकिस्तान को वार्न करते हैं कि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाए। ये जो मिलिटेंट वो हमारे देश में भेजता है, हमारे देश की शांति भंग करना चाहता है, वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए और एक बार फिर मेरी तरफ से जितने भी शहीद हुए हैं उनको नमन पेश करता हूं और उनकी फैमिली के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। जय हिंद जय भारत। आज ये जो कैंडल मार्च निकली है इसमें जो आज हमारे जो वीर जवान जिन्होंने श्रीनगर में शहादत दी है, हम उन वीर जवानों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है और इस कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा और पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिन्होंने जो है एक आतंकी हमला करके जो है हमारे जम्मू कश्मीर के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, हमारी अमन और शांति को भस्म करने की कोशिश की है, इसका जल्द ही जल्द जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जय हिंद जय भारत।
जो आज का श्रद्धांजलि मार्च जो यहाँ पुंछ के अंदर आयोजित किया गया, इस श्रद्धांजलि मार्च का यही मकसद था कि जी कल कश्मीर के अंदर कोकरनाग के अंदर जो हमारे वीर जवान छवि शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के मकसद से आज एक श्रद्धांजलि मार्च इस पुंछ के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें हमारे समाज के हर एक तबके ने जो है वो भाग लिया, चाहे वो युवा हों, बच्चे हों, बड़े हों, हर एक मज़हब के हर एक तबके के लोगों ने इस मार्च में शामिल होकर ये पैगाम दिया है कि पुंछ जो है हमारे पूरे हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और उन शहीदों की फैमिलियों के साथ, उन शहीदों के साथ जो है हमेशा हमारी जो है सहानुभूति, हमारी श्रद्धांजलि जो है दिल के साथ उनके साथ हमेशा जो है रहेगी। उसी का परिचय आपने देखा कि आज यहाँ पुंछ के अंदर भी उन वीरों की याद में जो है वो श्रद्धांजलि मार्च का जो है वह आयोजित। जो कि कल एक टेररिस्ट अटैक कोकरनाग अनंतनाग में हुआ, जिसमें हमारे चार जवानों ने, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत जी, एक हमारे मेजर आशीष जी उनके साथ DYSP जनाब हुमायूं भट्ट साहब और एक राइफल मैन रवि जी ने वहां पर अपने प्राणों की आहुति दी। हम सारे लोग यहाँ पुंछ में मिलकर आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं और अपने दुश्मन देश पाकिस्तान को वार्न करना चाहते हैं कि जो हरकतें करके वो कत्लेआम कर रहा है, जो बेगुनाहों का खून बहा रहा है और जो हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके एक एक लहू के कतरे का हिसाब लेंगे और अब वो वक्त आ चुका है जब हम अपने इंडियन आर्मी को, अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस को ये आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे, वो गोली का जवाब बफोर्स दे दे, ताकि एक ही बार अपने दुश्मनों का कला तमाम करे और इनका खात्मा करे। आज के दिन हमारे पुंछ के बच्चे ने, जवानों ने यहाँ पर इकट्ठे आकर अपने मुल्क की सालमियत और बका के लिए सबूत दिया है। हम आज के दिन उन जवानों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं जिन्होंने हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम सब लोगों ने मिलकर तब भी यहाँ पर इसी तरह से श्रद्धांजलि पेश की थी जब बाटातुरिया में हमारे आर्मी के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम एक बार फिर दुश्मन देश जो भी हमारे मुल्क के सामने आगे आएगा उसको ललकारते हैं और उसको हम जवाब देना चाहते हैं और हम अपनी इंडियन आर्मी को और जम्मू कश्मीर पुलिस को यह आश्वासन देते हैं कि हमारा बच्चा आपके साथ है। खैबर मेडिकल इंस्टीट्यूट पुंछ में मुनक्किद करने जा रहे हैं 2 रोज़ा फ्री मेडिकल चेकअप कैंप। मोरखब 15 सितंबर बरोज शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक और 16 सितंबर बरोज शनिचरवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन और ENT जैसे डॉक्टर्स की खिदमात हासिल रहेंगी। मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस के लिए लेबोरेटरी टेस्ट में 50% की छूट दी जाएगी। पहले से रजिस्ट्रेशन के लिए इन फ़ोन नंबर्स पर रबता कायम करें। फ़ोन नंबर से 9622603509 और 9419199006। मकाम अल हबीब दवा बाजार पॉली क्लिनिक नज़दीक लेबर सराय पुंछ।